हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय, खासतौर पर ऐसे विद्यालय जहाँ पे को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं, यानी विद्यालय प्रांगण में कक्षा 1 से 5 तक कक्षा कक्ष तो मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, शिक्षक शिक्षिका भाई बहन मौजूद हैं, के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित होता है। वहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए अब प्रशिक्षण की कार्ययोजना है। प्रशिक्षण खास तौर पे जो दिया जाएगा शिक्षक संकुल के सम्मानित सदस्यों को, एआरपी को, डाइट के प्रवक्तागण को, इसके अलावा आईसीडीएस डिपार्टमेंट, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग दोस्तों है, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करता है, उसके जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो जिला कार्यक्रम अधिकारी हों, चाहे वो सुपरवाइज़र हों, के साथ साथ जो मुख्य सेविका हैं दोस्तों, उनको प्रशिक्षित किया जाना है। ये जो प्रशिक्षण है वो दीक्षा पोर्टल पे अवेलेबल है। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये प्रशिक्षण आखिर क्या है और इसकी समयावधि क्या है। दीक्षा ऐप के जरिए निष्ठा 4 प्री प्राइमरी के अंतर्गत प्रशिक्षण दोस्तों प्रारंभ होना है। जुड़ने के लिए देखें कोर्स लिंक, समय सारणी और संबंधित आदेश। निष्ठा प्रशिक्षण प्री प्राइमरी उत्तर प्रदेश, इसकी जो अंतिम तिथि है 10 फरवरी 2023 को ये एंड हो जाना है। निष्ठा 4 प्री प्राइमरी के अंतर्गत प्रथम स्तर पर शिक्षा विभाग से एआरपी, डाइट फैकल्टी एवं शिक्षक संकुल तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से डीपीओ, सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर हेतु प्रशिक्षण 6 जनवरी 2023 से शुरू हो गया है। दोस्तों, इसमें जैसे कि बात हो रही है, 6 जनवरी से ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है। इस प्रशिक्षण का नाम निष्ठा 4 ECCE कोर्स है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनके एक और नीचे जो बॉटम लाइन है, जो कि प्री प्राइमरी है, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत करना है। और चूंकि ये कोऑर्डिनेटेड इफर्ट है, आप जान सकते हैं कि 2 समन्वित विभाग इसमें काम कर रहे हैं, ICDS डिपार्टमेंट और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसीलिए दोनों विभाग के जो कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हो, चाहे आंगनबाड़ी मुख्य सेविका, सुपरवाइजर, CDPO, DPO, सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। चूँकि मामला बच्चों को शिक्षित करने का है, बच्चों के भविष्य को निर्मित करने का है, इसलिए पूरी संजीदगी और शिद्दत के साथ दोस्तों दोनों विभाग आपस में तालमेल बना करके काम कर रहे हैं। तो शुरू में प्रारंभिक वर्षों का महत्व और ये जो कोर्स है, ये जो 6 कोर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक वर्षों का जो अर्ली जो ईयर होते हैं बच्चों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं 6 जनवरी को से 10 फरवरी तक। खेल आधारित अधिगम वातावरण की योजना, इसमें भी आप 6 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन कर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। समग्र विकास हेतु खेल आधारित गतिविधियां, इस कोर्स का भी समयावधि दोस्तों सब वही है, 6 जनवरी से देखिए 10 फरवरी तक। अभिभावकों तथा समुदाय के साथ साझेदारी, विद्यालयी तत्परता और जन्म से 3 वर्ष विशेष आवश्यकताओं के लिए शीघ्र हस्तक्षेप। तो अर्ली इंटरवेंशन फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स ऑफ एज, स्पेशल नीड्स के लिए इंटरवेन करना है, बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, खासतौर पे विशेष आवश्यकताओं के लिए इंटरवेंशन की बात हो रही है। तो निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश एवं समय सारणी, ये जो लिंक है इससे प्राप्त कर सकते हैं, पोस्ट में नीचे अपडेट है। प्रथम स्तर पर शिक्षा विभाग से केवल एआरपी, डाइट फैकल्टी एवं शिक्षक संकुल को ही ये प्रशिक्षण करना है। प्रशिक्षण पूर्ण करने में आ रही तकनीकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया। कृपया सभी प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को अनिवार्य रूप से अपडेट कर लें।
सभी दीक्षा प्रोफाइल में डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कूल का चयन कर अपडेट कर लें। वीडियो लिंक का प्रयोग कर प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। निष्ठा, जैसे कि आप जानते हैं, इसका जो पूरा नाम है वो ये है, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल। ये निष्ठा प्रशिक्षण पहले दोस्तों हो चुका है शिक्षकों के लिए, अब ये प्री प्राइमरी लेवल पे होना है। शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि दीक्षा में दीक्षा ऐप 4 और उसके बाद के संस्करण इंस्टॉल करें, दीक्षा पोर्टल तक पहुँचें, दीक्षा में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें, कोर्स लिंक या क्यूआर कोड का उपयोग करके कोर्स तक पहुँचें, कोर्स संसाधन तक पहुँचें, वीडियो देखें, टेक्स्ट को पढ़ें, गतिविधियां करें, प्रश्नोत्तरी का प्रयास करें, 70% यानी अधिकतम 3 प्रयास आपको करने हैं, अंक प्राप्त करें और प्रमाण पत्र पाएं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है और इसमें आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये जो कोर्स है दोस्तों, 6 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक का कोर्स है और इसमें निष्ठा ECCE का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर ECCE के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नानुसार प्राप्त किया जाना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, प्री स्कूल शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षकों को उन्मुख करना, शिक्षक प्रशिक्षकों को ECCE स्तर हेतु निर्धारित शैक्षणिक अभ्यासों से अवगत कराना, यह सुनिश्चित करना कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्री स्कूल शिक्षक खेल एवं गतिविधि आधारित दृष्टिकोण का पालन करें जो बच्चों को कक्षा 1 के लिए तैयार करेगा, विकासात्मक लक्ष्यों के माध्यम से छोटे बच्चों के समग्र विकास हेतु रणनीतियां प्रदान करना। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक मिनी रूप में मैंने आपको समझाया। अब आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का वो पत्र जिसमें उन्होंने उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को पत्र द्वारा ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और कार्य योजना को दोस्तों अमली जामा पहनाने के लिए निर्देशित किया है। 6 जनवरी 2023 का पत्र है, आप देख सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE हेतु निष्ठा 4 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में। तो दोस्तों, 4 जो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके महत्वपूर्ण बिंदु, प्रशिक्षण 2 स्तर पर प्रदान किया जाएगा। पहला लेवल का प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। प्रथम स्तर के प्रशिक्षण के अंतर्गत अधोलिखित प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित होंगे। कौन कौन से सम्मिलित होंगे? जैसे कि अभी मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म में कि डायट संकाय सदस्य, उसमें प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा हेतु जिला संसाधन इकाई शाखा और BRC पे विकास खंड संसाधन केंद्र समन्वयक यानी ARP, CRC यानी संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक शिक्षक संकुल और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO, बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO, मुख्य सेविका सुपरवाइजर। प्रशिक्षण के द्वितीय स्तर में NCERT द्वारा चयनित मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके उपरांत वे ECCE नोडल शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। तो प्रथम स्तर के जो लाभार्थी हैं को निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करने हैं, दीक्षा ऐप पर अपना मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, यदि पूर्व में रजिस्ट्रेशन न किया गया हो तो। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कोर्स हेतु स्वयं अपना नामांकन किया जाएगा और निर्धारित समय अवधि में कोर्स को पूरा किया जाएगा। जैसे कि आप सभी दोस्तों जान रहे हैं कि निष्ठा 4 ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स में कुल 6 कोर्स होंगे। प्रशिक्षणार्थियों को अपनी सीखने की गति एवं सुविधा के अनुसार योजना बनाकर एक कोर्स को पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे समय देना होगा। प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षणार्थी को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में निर्धारित 70% अंक प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र प्राप्त होने में 15 दिन का समय आपको लग सकता है। अब इसमें जैसे कि डायट प्राचार्य महोदय के कार्य एवं दायित्व हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के हम कार्य एवं दायित्व पर बात करने जा रहे हैं। चूँकि शिक्षकों और विद्यालय के हेड टीचर या संस्था प्रधान के डायरेक्ट आप इमीजिएट ऑफिसर होते हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक के पदेन निष्ठा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होंगे।
ब्लॉक के समस्त एआरपी या शिक्षक संकुल का दीक्षा ऐप पर पंजीयन सुनिश्चित कराएंगे। जिन्होंने पंजीकरण न किया हो उन्हें सुनिश्चित कराएंगे। ब्लॉक के समस्त एआरपी या शिक्षक संकुल तक निष्ठा फोर प्रशिक्षण मॉड्यूल कोर्स का लिंक प्रशिक्षण प्रारंभ तिथि से एक दिन पूर्व पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड स्तर पर निष्ठा फोर ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी कोर्स के प्रशिक्षण की प्रगति का अनुसरण करेंगे। तो दोस्तों, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया है कि वो अपने विकास खंड में एआरपी या शिक्षक संकुल के जो सम्मानित सदस्य हैं उनको रजिस्ट्रेशन ना केवल कराएंगे बल्कि ये देखेंगे कि उनके द्वारा जो ऑनलाइन कोर्स किया जा रहा है वो किस हद तक दोस्तों सफल हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस संबंध में टेक्निकल एडमिन भी काम करेंगे जो कि शिक्षकों की समस्याओं का दोस्तों समन भी करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है और इसमें शिक्षक संकुल के सम्मानित सदस्य एआरपी को जुड़ना है और स्कूल शिक्षा महानिदेशक जी कहते हैं कि आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई संपादित कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।